सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, बड़ी प्रसन्नता के साथ आज आपको सूचित कर रहा हूं कि टाटा एलेक्सी में लोगों का पैसा डबल हो गया, इन्वेस्टर्स के पैसे डबल हो गए। दोस्तों, 100% एप्रिसिएशन विद इन 8 मंथ्स, इन्वेस्टर्स के पैसे डबल हो गए दोस्तों विद इन 8 मंथ्स। कई हजारों इन्वेस्टर्स के पैसे आज डबल हुए हैं दोस्तों टाटा एलेक्सी में। और मैंने जब पहला वीडियो में एडवाइस किया था, वो तारीख था 5 मई 2021 का दिन, जिस समय मैंने कहा था 3844 का भाव, और मैंने एडवाइस किया था कि इसे आप इन्वेस्टमेंट इसमें करिए जरूर। और आज देखिए दोस्तों, 7693, जस्ट डबल से भी ज़्यादा जा रहा है। ऐसे देखा जाए तो आज 52 वीक्स हाई भी टच किया है 7800 का। और आज की तारीख 21 जनवरी 2022, पैसा डबल हो गया दोस्तों। लोग पूछते हैं, विश्वास नहीं करते हैं कि क्या पैसा साल भर में भी डबल हो जाता है, क्या 8 महीने 6 महीने में भी पैसा डबल होता है। आपके सामने जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। देखिए मेरा पार्ट वन, देखिए 2, 3, 4, ये मेरा पार्ट फोर चल रहा है दोस्तों, और मैं ये मार्केट आवर्स में वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो बस मैंने भी कहा, चलिए लोगों को नॉलेज हो, और इस बात का विषय सभी इन्वेस्टर्स, उस दौरान दोस्तों कई हजार इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए, और आज कई हजार इन्वेस्टर्स का पैसा डबल हुआ है दोस्तों। अब इतने कई हजार लोगों का जो पैसा डबल हुआ है, वो सारी खुशियां दोस्तों आज मुझे मिल रहा है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी दोस्तों, कि सभी का पैसा डबल हो। और आज तो देख ही रहे हैं दोस्तों, मार्केट वैसे भी सेंसेक्स 560-570 डाउन चल रहा है, तो चारों तरफ तूफान आंधी तो आ रहे हैं, लेकिन हमारा कारवां चल रहा है दोस्तों, अपने कार्य विषय चल रहे हैं। आपके शुभकामनाएं और आशीर्वाद से इस कार्य में हम लगे हैं दोस्तों, और हम भी पूर्ण रूप से समर्पित हैं। और जो हमारा रिजोल्यूशन है दोस्तों 2022 का, वो बाद में फिर से दोहरा रहा हूँ दोस्तों, 2022 के रिजोल्यूशन में एक वाक्य है कि आप ऐसे समय में जब मार्केट बेरिश हो, तो जीत करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बस मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप आज की तारीख में आज ये देख ही रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है, नेगेटिव ट्रेंड है, लेकिन टाटा एलेक्सी में आज भी बाइंग फोर्स ऑन है। अब ये बात है कि जैसे मैं कहा हूँ दोस्तों कि लोग कहते हैं, और मैंने कुछ हमारा, जैसे आप जानते ही हैं कि कुछ सर्विसेज हैं जिसमें डायमंड स्टॉक सर्विस भी है, उसमें हमने कहा है कि साल भर में भी पैसा आपका डबल होगा। तो ये बात और ये कार्य, नो डाउट अभी मार्केट तो उतार चढ़ाव की दुनिया में चल ही रहा है, लेकिन हम आगे का विषय देखते हैं दोस्तों। इस ऑब्जेक्टिव को देख कर, वो हमारा एनालिसिस जो आने वाले 6 महीने साल भर का पहले ही हम उस स्टडी के साथ मालूम कर लेते हैं कि ये शेयर कहाँ तक जा सकता है, और इसी विश्वास कन्विक्शन के साथ हम कहते हैं कि इस शेयर्स में एबिलिटी है कि ये पैसा डबल करेगा, और उसी में हमारा डायमंड स्टॉक शामिल है। तो इसके लिए हमने 20% डिस्काउंट भी ऑफर किया है दोस्तों, जो 26 जनवरी तक ही कायम है। चलिए अभी हम वर्तमान में टाटा एलेक्सी के बारे में ध्यान लें। दोस्तों, टाटा एलेक्सी का अभी जस्ट मार्केट आवर्स में अभी भाव चल रहा है 7693, अभी भी ऊपर नीचे हो रहा होगा शेयर्स का भाव। और मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए दोस्तों, 47,859 करोड़ हो गया है। चलिए अच्छी बात है, आप इसको 50,000 के ऊपर भी देख लेंगे दोस्तों, 50,000 करोड़ के ऊपर इसका मार्केट कैप आप जरूर देखेंगे, ये भी नोट कर लीजिए। और जिस दिन इसने 50,000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप टच कर लिया, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा। 100% एप्रिसिएशन हुआ है इस तारीख से। इस तारीख को मैंने इसलिए जोड़ा है दोस्तों कि देखिए आपके सामने जीता जागता उदाहरण है, हाथ कंगन को आरसी क्या, आपके सामने सत्य ही सत्य शामिल है। तो अब टाटा एलेक्सी इन्वेस्टर्स को, पिछले वीडियो में भी मैंने यही कहा था दोस्तों, जो लोगों ने फॉलो भी किया, कि आपको होल्ड करना है शेयर्स, और होल्ड किए तो देखिए फायदा ही फायदा। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने 50% एप्रिसिएशन की बात किया, और आज देखिए मैं 100% एप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ। और ये बात कितने दिन पहले की है, जस्ट 12-13 दिन पुराना वीडियो है, देख लीजिएगा दोस्तों, उस समय का वीडियो और आज का वीडियो आप खुद कंपेयर कर लीजिए, खुद जान जाइए, और क्या कहें।
इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों, जो शेयर होल्डर हैं टाटा एलेक्सी के, और मैं यही कहूंगा खुशी खुशी कि इसमें और भी ग्रोथ है दोस्तों, भविष्य में और भी आगे की तरफ जाएगा। इसे इस शेयर्स को फर्मली होल्ड करके रखिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, इस मार्केट के गिरावट में भी ये पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है, तो निश्चित है कि आगे भी ये दौड़ेगा, और अभी इसमें और आगे के एक रूप में जाना बाकी है दोस्तों। अभी ये और भी एक नई ऊंचाई टच करेगा आने वाले दिनों में। तो मैं यही कहूँगा सभी इन्वेस्टर्स को, सभी शेयर होल्डर को, कि आप इसे होल्ड करिए, एक भी शेयर बेचिए मत दोस्तों। टाटा एलेक्सी का एक भी शेयर बेचिए मत, होल्ड करिए, बस यही कहूँगा। हाँ, अब प्रश्न ये है कि अगर इन्वेस्ट करने की बात आए, अभी टाटा एलेक्सी तो काफ़ी आगे जा चुका है और आने वाले दिनों में भी आगे ज़रूर जाएगा, फिर भी जब कभी भी दोस्तों इसका भाव 7000 के नीचे आपको कभी भी दिखे, तो आप उसकी संख्या में, आप अपनी संख्या जो शेयर्स के नंबर हैं उसमें और भी प्लस कर लीजिएगा, यानी शेयर्स और खरीद लीजिएगा टाटा एलेक्सी का। जब कभी भी ये 7000 के नीचे दिखे, भविष्य काल की बात कर रहा हूँ, अभी तो वर्तमान तो ये देख रहा हूँ दोस्तों कि नियर फ्यूचर में इसका भाव एक और बड़ी ऊंचाई की तरफ जाएगा, बस यही कहूँगा इसके बारे में। तो आप होल्ड करिए, और जब कभी भी आपको खरीदने का विषय बने तो इस लेवल के नीचे आए तो आप ज़रूर खरीदिए। बस यही ध्यान और ज्ञान लाने के लिए दोस्तों मैंने अभी मार्केट आवर्स में आपके लिए वीडियो बनाया हूँ, और बस आप इसी को फॉलो करिए। और आगे यही कहूँगा दोस्तों, ये सबसे बेस्ट टाइम है दोस्तों पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के लिए। जियो जागरूक हैं, जो इन्वेस्टर्स काफ़ी एकदम मैं कहूँगा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं, वो ऐसे समय में ही सही इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स की यही पहचान है कि ऐसे मार्केट में वो इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे मार्केट में वो सर्विस भी लेते हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस और मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का ये एकदम राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का। और इस दौरान दोस्तों हमारा पेनी स्टॉक भी मजबूत चल रहा है, उस वो सर्विस भी सभी के लिए है, सभी तरह के बजट वाले उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट तो मैंने आपको पहले ही कहा है, और इसी के साथ साथ मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस भी हमारा बखूबी चल रहा है दोस्तों, जिसमें आज भी हमारा कार्य विषय उत्तम रूप में है और आपकी शुभकामनाओं के साथ अति उत्तम में है, बस यही कहूँगा। और इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए बस, और आपकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहे, बस यही हम कामना करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं।